मिशन मजनू की स्क्रीनिंग में पहुंचे कई बी टाउन स्टार्स, स्पेशल इवेंट में सिड कियारा ने खींचा सभी का ध्यान। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले काफी टाइम से दोनों की शादी को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म है। इसी बीच सिड कियारा को एक इवेंट में स्पॉट किया गया। दरअसल 19 जनवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म मिशन मजनू रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म के रिलीज से पहले एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें तमाम बॉलीवुड के सितारे शामिल हुए। इस स्क्रीनिंग में कियारा आडवाणी ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी। ऑल व्हाइट लुक में कियारा काफी खूबसूरत लग रही थी। मिशन मजनू की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही भी शामिल हुई। देसी अवतार में नौरा हमेशा की तरह काफी गॉर्जियस लग रही थी। वहीं मिशन मजनू की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी इस इवेंट में नजर आई। इस दौरान रश्मिका के बोल्ड लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रश्मिका मंदाना की तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले देखने के लिए इस इवेंट में पहुंचे। डैपर लुक में सिड काफी हैंडसम लग रहे थे। इनके अलावा इस इवेंट में करण जौहर, मृणाल ठाकुर, रिया चक्रवर्ती और साजिद खान समेत कई बी टाउन स्टार शामिल हुए। फिल्म मिशन मजनू की बात करें तो इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना के अलावा कुमुद मिश्रा, शरीफ हाशमी और रजत कपूर भी मेन रोल में नजर आएंगे। शांतनु बागची के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है। आपको बता दें कि इस हिस्टोरिक ड्रामा फिल्म में 70 के दशक में भारत और पाक के बीच हुए इंसिडेंट्स को दिखाया जाएगा। मिशन मजनू में सिद्धार्थ मल्होत्रा अमनदीप अजीत पाल सिंह का किरदार रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक रॉ एजेंट है। और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा दर्जी बनकर पड़ोसी देश की परमाणु क्षमता का पता लगाते हैं। इस दौरान सिद्धार्थ को पाकिस्तानी लड़की का रोल निभा रही रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये फिल्म पूरी तरह से स्पाई बने सिद्धार्थ मल्होत्रा के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। मिशन मजनू नाम के इस मिशन में सिद्धार्थ पाकिस्तान के अवैध परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त करते हुए दिखेंगे। वेल, ये एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो ऑडियंस में देश प्रेम के भाव को जगाती है। यही कारण है कि इस फिल्म को रिपब्लिक डे से पहले 20 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।